दोस्तों आज की कहानी है बहू मेरे बेटे से तलाक ले लो सलो। दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। हेलो माँ, अरे आकांक्षा बेटा कैसी है? माँ एक खुशखबरी है, आप दादी नाना मेरा मतलब है, आप नानी बनने वाली हैं। सस बेटा तुम्हें नहीं पता, आज तुमने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है। थैंक यू माँ। अच्छा सुन, अपना ध्यान रखना, और हाँ अपनी मम्मी को ये बात बताई या नहीं? आज तो उनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहेगा, बस माँ सबसे पहले आपको ही फोन किया। अब मम्मी को फोन करूंगी। बाय माँ वंदना जी को। अब आकांक्षा ने ये खुशखबरी सुनाई तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने अपनी काम वाले को आवाज लगाई, सिरपी ओ सिरपी जरा इधर आ। सारे काम छोड़कर जरा ठाकुर जी के सपन भोग की तैयारी कर, खूब सारी मिठाइयां बना। आज तो मैं सपन भोग का प्रसाद चढ़ाऊंगी पर माँ जी अचानक से क्या हो गया? सिरपी बोली, तू नहीं समझेगी, सालों से मैं आज के दिन का ही तो इंतजार कर रही थी। आज जाकर वो खुशखबरी मिली है। कैसी खुशखबरी माँ जी? अरे पगली, मैं नानी बनने वाली हूँ। अब तू ज्यादा बातें ना बना और काम में लग जा। सिरपी सोचते सोचते आधी हुई जा रही थी। एक साल से काम कर रही हूँ पर वंदना जी के तो कोई बेटी भी नहीं है, बस इकलौता बेटा है। फिर यह किस बच्चे की नानी बनने की खुशी में बावरी हुए जा रही है, जिसके पैरों में दर्द के कारण उठ भी नहीं जाती थी। आज ना जाने कहां से इतनी फुर्ती से काम किए जा रही है, ये सब समझना उसके परे था। उधर वंदना जी लड्डू के बेसन भूनते भूनते अपनी यादों को भी भूनने लगी। 4 साल पहले जब अपने बेटे आदित्य के लिए आकांक्षा का रिश्ता आया था तो आदित्य के लाख मना करने पर भी अपने बेटे को शादी के लिए मना कर ही मानी थी। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। दोनों एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे। शादी के साल भर बाद से ही वंदना जी ने आकांक्षा को बच्चे के लिए कहना शुरू कर दिया था। इस बात को आकांक्षा अभी इतनी भी क्या जल्दी है कहकर हंसी में टाल देती। धीरे धीरे 2 साल हो गए। अब तो वंदना जी जब कभी भी बच्चे का नाम लेती आकांक्षा वहां से चली जाती। उन्हें यह लगने लगा कि उनकी बहू ही माँ बनना नहीं चाहती है। एक दिन वंदना ने आकांक्षा को बुलाया और कहा, बहू बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम खोई खोई रहती हो। सस बताओ क्या तुम मुझे दादी नहीं बनाना चाहती या फिर कोई समस्या है? अगर ऐसा है तो चिंता मत करो, आजकल तो हर तरह का इलाज संभव है। उनका इतना कहना था कि आकांक्षा फूट फूट कर रोने लगी। माँ आप जो चाहती हैं वह कभी नहीं हो सकता। वंदना जी ने घबरा कर पूछा, क्यों ऐसा क्या हुआ मुझे बताओ? माँ आपका बेटा इस लायक नहीं है, उसे लड़कियां नहीं लड़के पसंद हैं। इतना सुनते ही वंदना जी गुस्से में बोली, ये क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आकांक्षा रोते रोते बोली, जब हमारी शादी हुई थी तब आदित्य ने हमारे रिश्ते की शुरुआत के लिए थोड़ा समय मांगा था, मुझे भी इसमें कोई गलत नहीं लगा। आदित्य ने हमेशा मेरा ख्याल रखा, प्यार किया, इज्जत की, पर सिर्फ एक दोस्त की तरह कभी पत्नी ना बना सका। मैं भी आदित्य को बहुत प्यार करती थी लेकिन उन्हें समय देती गई, पर कुछ दिनों पहले मैंने स्वयं अपनी आंखों से उन्हें अपने दोस्त के साथ अनुचित अवस्था में सी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, मैं क्या करूँ माँ? ये सुनकर तो वंदना जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
वे दम से कुर्सी पर जा बैठी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस अदृश्य जोड़ी का सब उदाहरण देते थे उस रिश्ते की ये सच्चाई है। 2 साल में कभी ये क्यों नहीं बताया बहू, क्यों सा इतना सब कुछ तुम्हें देखकर कभी लगा ही नहीं कि तुम्हारे अंदर इतना गम है, कैसे बताती माँ। 2 परिवार का दुख देख नहीं सकती थी इसलिए कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई, कहकर आकांक्षा अंदर चली गई। वंदना जी वहीं जड़वत होकर सोचने लगी कि आखिर इसमें गलती किसकी थी, बहू की जो उसने कभी ये बात बताई नहीं, या फिर बेटे की जो बहू को पत्नी ना बना सका, या फिर उन खुद की जिन्होंने जबरदस्ती अपने बेटे आदित्य की शादी करवाई थी। पर जो भी हो, इन सब में सबसे ज्यादा जिसने साथ था वह थी आकांक्षा। उस दिनों बाद वंदना जी ने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, मैंने एक फैसला लिया है, मेरा बेटा बहू के लायक नहीं है, इसलिए वो अब और नहीं सहेगी, मैं इन दोनों का तलाक करवा रही हूँ। उन्होंने तलाक के कागज आकांक्षा को देते हुए कहा, अपने जिस बेटे की तुमसे शादी करवाई थी अनजाने में ही सही, गलती तो मुझसे हुई ही, जो वो मापी के लायक तो नहीं है, पर हाँ आज से तुम मेरी बेटी हो और जब तक मैं तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत ना करा दूं मेरा परिचित पूरा नहीं होगा। मैंने तुम्हारी माँ से विनती की है कि मुझे अपनी बेटी का कन्यादान करने दे। ये सुनकर आकांक्षा वंदना जी के गले लग गई और उसने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। वंदना जी ने पूरी जान लगा दी आकांक्षा के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने में। आखिरकार उनकी खोज सौरभ जो पेश से सीए था पर आकर खत्म हुई। वो कहते हैं ना कि दूध का जला सास भी फूक फूक कर पीता है, बस वैसे ही वंदना जी ने पूरी जांच पड़ताल करके आकांक्षा का कन्यादान तो कर दिया, परंतु फिर भी एक अनजान डर से घबराती रहती। लेकिन आज जब ये खुशखबरी सुनी तब जाकर उनका परिचित पूरा हुआ। आज उन्हें इस बात का संतोष था कि उनकी आकांक्षा नई जिंदगी में प्रवेश कर चुकी है। माँ जी कहाँ खो गई है, आप बेसन तो कब का भून चुका है, सिरपी के कहने से वो अपने ख्यालों से बाहर आई। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद सालों बाद आज मैं जी भर की मिठाइयां खाऊंगी, श्री जी मनाऊंगी, सोचते हुए वंदना जी का हाल किसी छोटे बच्चे की तरह था जिससे खुशी संभलने नहीं संभल रही थी और वो नन्हे मेहमान के आने की तैयारी में लग गई थी। दोस्तों आज भी ऐसी सास बैठी है जो एक अपनी बहू को बेटी की तरह कन्यादान करके अपनी बहू की नई जिंदगी की शुरुआत करा दी और अपने बेटे से बहू का ज्यादा साथ दिया। दोस्तों ऐसी सास नसीब वालों को मिलती है। दोस्तों कैसी लगी मेरी कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ।